कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 55 घंटे के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर केवल इमरजेंसी सेवाओं और धार्मिक स्थलों को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद कर दुकानों प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को सैनिटाइज किया, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाकर शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइज किया गया, जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सके। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी और 3 छोटी कुल 5 गाड़ियों में से पूरे शहर व कस्बों में सैनिटाइजर कर कोरोना मुक्त शहर को किया गया है, जिससे शहर के किसी भी जगह व कोने में कोरोना के वायरस को सैनिटाइज से समाप्त हो जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, गाड़ियाँ और 3 छोटी गाड़ियों के माध्यम से पूरे गोरखपुर शहर के जितने हॉटस्पॉट हैं उन स्थान पे और शहर के विभिन्न स्थानों पे विश्वविद्यालय, रोडवेज, चौराहा, रीजनल स्टेडियम, काली मंदिर, सब दीवानी कचहरी, बतिया, हाथा, कैंट, जितने हॉटस्पॉट हैं सब जगह पे वृहद स्तर पे सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इस दौरान और भी कुछ दिशा निर्देश हम लोगों को मिला था। सैनिटाइजिंग का तो नियमित काम हो रहा है, लगातार है, तो मार्च से ही चल रहा है। 21 मार्च से लगातार गाड़ियां निकल के कर रही हैं, लेकिन आज और कल इसको और गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा लगा के इसको वृहद स्तर पर पूरे शहर में सैनिटाइजर का काम किया जाएगा। दवा की उपलब्धता कहीं किस तरह से? हाँ, स्वास्थ्य विभाग से दवा जरूरत जितनी है, आवश्यकता उतनी मिल जाती है। गाड़ियाँ वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे दवा उपलब्ध कराई जाती है और फायर सर्विस उनके द्वारा बताए गए स्थान पे और कुछ हम लोग को जहाँ बहुत भूख लगता है वहाँ पे भी दोनों जगहों पे वृहद स्तर पर इसका छिड़काव प्रकार किया जा रहा है।